अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए जो लैपटॉप लास्ट वीडियो में मैं रिव्यू लेके आया था, आज मैं आप लोगों को उसके ऊपर गेमिंग करके दिखाने वाला हूँ और एडिटिंग भी थोड़ी बहुत करके देखेंगे और देखेंगे कि अगर हम लोग इसके ऊपर फुल लोड डालते हैं तो इतनी एक स्लिम स्मार्ट जो डिवाइस है, और आप लोग सोचते होंगे कि इतनी पतली डिवाइस है उसके टेम्परेचर भी ज़्यादा होते होंगे, तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगा। यहाँ पे अगर हम लोग गेम की बात कर लें तो मेरे पास GTA 5 पड़ी है, GTA 5 खेलेंगे और उसके ऊपर प्रीमियर प्रो में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके देखेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आप लोगों के दिल को तसल्ली हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आप लोगों को एक दफ़ा इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम हम लोग गेमिंग टेस्ट में लेंगे इसमें। तो स्पेसिफिकेशंस की बात यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये वाला जो लैपटॉप है ये i7 9th जनरेशन में आता है और इसके जो प्रोसेसर का मॉडल है वो यहाँ पे 9850H है जो कि 2.69 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ आता है। उसके बाद इसकी रैम की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर फिलहाल 32 GB DDR4 और इस टाइम पे इसके अंदर जो SSD लगी हुई है वो 1 TB की लगी हुई है और यहाँ पे वो NVMe ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है इसमें। अभी आ जाते हैं इसके साइज़ में, तो काफ़ी कम्पैक्ट साइज़ है इसका, जो वेट है वो तकरीबन 1.25 किलो के करीब है और जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो 15.6 इंचेस में है, यानी कि जो लैपटॉप्स नॉर्मल ऑफिस साइज़ में आते हैं उस लैपटॉप के अंदर एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा के, रैम ज़्यादा लगा के, उसके अंदर प्रोसेसर हैवी वाला लगा के उसको गेमिंग बना दिया गया है। और गेमिंग बनाने के साथ साथ ये नहीं किया गया कि सिर्फ गेमिंग बनाया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर्स को भी अच्छा खासा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जो आई बटन में वीडियो आ रही है लैपटॉप की, उसमें मैंने रिव्यू किया था और उसके टेम्परेचर्स थोड़े से ऊपर जा रहे थे। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि वो फुल मेटेलिक बॉडी में था एक तो वो लैपटॉप, और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा था और उसका हीट सिंक का जो प्रोसेस था वो इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं था जितना इसके अंदर बनाया गया है। अभी तो मैं जल्दी जल्दी इसकी प्राइस वगैरह आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग गेम प्ले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला लैपटॉप आप लोगों को 180-185 के तक कॉस्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग सरगोधा में ही स्पेसिफिकली बाय करना चाहते हो तो ये वाला मॉडल मुझे प्रोवाइड किया है मल्टी लैपटॉप्स ने, जिनकी शॉप ट्रस्ट प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पे, शॉप नंबर 88 है, फोन नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग इस पे कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स बाकी भी हासिल कर सकते हो। और बाकी भी मेरी जो लैपटॉप वाली वीडियोस हैं आई बटन में मैं चिपका देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख लिया करो। तब हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्क्रीन पे चलते हैं, इस पे गेम प्ले करके देखते हैं, प्रीमियर प्रो रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये वाला लैपटॉप गर्म कितना होता है और इस पे गेम प्ले की परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, क्या ये गेमिंग के काबिल है भी या नहीं, तो सारी चीज़ें अभी क्लियर करते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी एक वीडियो इंपोर्ट कर दी है ट्राइपॉड वाली, आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों को ट्राइपॉड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसमें कट लेके इसके ऊपर यहाँ से वाव स्टेबलाइज़र उठा के फेंक देता हूँ। इसके ऊपर इफेक्ट्स में आते हैं, यहाँ से हम लोग वाव स्टेबलाइज़र सर्च करते हैं और इसके ऊपर फेंक देते हैं, क्योंकि ये वीडियो हैंड हेल्ड शूट हुई हुई है और यहाँ पे इसमें हम लोग देखते हैं कि एनालाइजिंग हो रही है। 15 सेकंड का ये पीस है, इसके ऊपर वाव स्टेबलाइजेशन लगाई है और इसने फौरन उसकी प्रोसेसिंग कर दी है। इसी तरह हम एक और क्लिप पे लगा लेते हैं, यहाँ पे हमारा 30 सेकंड से लेके हम लोग 1 मिनट तक का जो क्लिप है उसके ऊपर भी वाप स्टेबलाइज़र लगा के देख लेते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह का यहाँ पे मिलते हैं मामला। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ और इसके ऊपर वाप स्टेबलाइज़र उठा के फेंक देता हूँ और यहाँ पे हम लोग एंटर का बटन प्रेस करेंगे। आप लोग प्रोसेसिंग स्पीड देख सकते हो कि फ्रेम्स को कितनी जल्दी जल्दी ब्लेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसके ऊपर और भी इफेक्ट्स लगा के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन में आते हैं, इसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन लगा के देखते हैं वजनी वाली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे VR डिजिटल ग्लिच, इसको इसके ऊपर फेंकते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेम्स की जो ब्लेंडिंग है और उसका जो टाइम है प्रोसेसिंग का वो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है। अभी ये पूरी वीडियो जो है ये 4 मिनट इसका टाइम यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने इसका जो चीज़ें मिक्स कर दी हैं, मैं आपको जूमिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर रहा था गेमिंग के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके स्पीकर भी चेक करवा दूँ। तो इसके स्पीकर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं, तो यहाँ पे मेरी आवाज़ जो इसके म्यूज़िक के नीचे दब रही है, मतलब इतना ऊंचा ऑडियो है इसका। और अगर आप लोग वैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो इसके ऑडियो को तो आप किसी शॉप पे जाके चला के भी देख सकते हो कि इसके अंदर किस तरह का स्पीकर है। स्पीकर क्वालिटी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अभी हम वापस आ जाते हैं प्रीमियर प्रो पे, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो वीडियो टोटल हमारी टाइमलाइन बन रही है वो 4 मिनट की और ये 1080p 30fps की वीडियो है। इसका हम लोग एक्सपोर्ट का बटन प्रेस करके देख लेते हैं। एडिटर्स को एक मसला ये आ रहा होता है कि जब वो यहाँ पे कलर ग्रेड कर रहे होते हैं तो उनको यहाँ पे इंस्टेंट प्रीव्यू नहीं मिल रहा होता, मतलब अटक अटक की चीज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिमिटरी कलर में भी चले जाते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि कलर ग्रेडिंग का यहाँ पे मामला कैसे मिलता है, हमें इंस्टेंट प्रीव्यू मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद जैसे जैसे मैं स्लाइडर्स को मूव कर रहा हूँ हमें इंस्टेंट प्रीव्यू मिल रहा है, मतलब वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो गया कि आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों में इंस्टेंट प्रीव्यू नहीं मिलता। जैसे कि हम लोग यहाँ पे HSL सेकेंडरी को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंस्टेंट व्यू हमें यहाँ पे मिल जाता है साथ साथ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
तो प्रीमियर प्रो के लिए तो ये एक अमेजिंग डिवाइस होने वाली है। अब इसका एक्सपोर्ट बटन प्रेस कर देते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पे इस 5 मिनट की वीडियो है, टोटल 4 मिनट 50 सेकंड की, इसके एक्सपोर्ट में कितना टाइम लगा था। तो यहाँ पे मैं इसको सेव का बटन प्रेस करके मैच सोर्स ही कर रहा हूँ, जो 1080p 30fps था उसी पे ही है। एक्सपोर्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, 600 MB की यहाँ पे फाइल बन रही है। एक्सपोर्ट का बटन प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे सेकंड्स का टाइम आ गया। जहाँ पे मेरा जो फोर्थ जनरेशन वाला वर्क स्टेशन है वो इतनी सी वीडियो पे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगाता है, वहाँ पे इसने 20-25 सेकंड का टाइम दे दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को इसके मिल जाती है यहाँ पे एक्सपोर्ट स्पीड्स। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे इस टाइम पे प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है। तो हम लोग टास्क मैनेजर में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि प्रोसेसर और GPU कितना यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारी रैम है वो 13 GB यूज़ हो रही है, प्रोसेसर 36% और सारा GPU यहाँ पे 92% और 72 डिग्री उसका टेम्परेचर है। तो यहाँ पर वो टेम्परेचर भी देख सकते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं इसमें गेम प्ले पे। तो यहाँ पे मेरे पास GTA 5 पड़ी हुई है, उसी को प्ले कर लेते हैं। और FPS देखने के लिए मैंने यहाँ पे MSI Afterburner ओपन कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग गेम को भी स्टार्ट कर देते हैं। आइडल टेम्परेचर इसका भी हम लोगों ने प्रीमियर प्रो भी रन किया तो 63 डिग्री आइडल टेम्परेचर है, जो कि इसको भी डिक्रीज कर देगा। और लोग देख रहे हो आपके सामने ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें देखता हूँ कि GTA 5 को आप लोगों को कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। सेटिंग्स भी आपको दिखाता हूँ उसकी और परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। आप लोग एक दफ़ा ग्राफिक्स चेक करो गेम के। मैं कैमरा के जो इसका स्क्रीन है उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि लोगों को ग्राफिक्स अच्छे से भी दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह के यहाँ पे कुछ मज़ेदार किस्म के मोशन ब्लर वाले ग्राफिक्स मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ग्राफिक्स सेटिंग्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से तो मैक्सिमम कर दी हैं। यहाँ पे हम लोग इसमें सिंपल ग्राफिक्स सेटिंग में आए तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन कर करके हाई पे और अल्ट्रा शल्ट्रा पे करके रखी हुई हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा वेरी हाई और सारे वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद इसमें जो एडवांस ग्राफिक्स वाला मोड होता है उस पर आ जाते हैं और उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एडवांस ग्राफिक्स मोड है उसमें ये सारी चीज़ें ऑन है। इसको भी मैंने 5:4 पे रखा हुआ है और अगर हम उसको फुल कर देते हैं तो हमारी पट्टी लाल हो जाती है, लेकिन उसमें मुझे पता है कि फ्रेम ड्रॉप होंगे तो मैक्सिमम सेटिंग्स हमें यहाँ पे ये वाली मिल रही हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि गेम प्ले के FPS कितने आते हैं। यहाँ पे जो फुल सेटिंग्स हैं इस पे जो गेम प्ले है उसमें आप लोगों को 25 FPS मिल रहे हैं, क्योंकि सेटिंग्स ही मैंने बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा 4 GB ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहा है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो CPU का टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो इतना हो गया कि आप इस पे पानी उबाल सकते हैं आराम से, लेकिन जो GPU का टेम्परेचर है वो कम ही है। क्योंकि ये जो CPUs होते हैं इतने पतले लैपटॉप्स में ये एडिटिंग के हिसाब के बने होते हैं, उनके CPU टेम्परेचर गेमिंग में हमेशा हाई आते हैं। और यहाँ पे जो GPU का टेम्परेचर है वो यहाँ पे 76 डिग्री के आसपास है और FPS हमारे 20 वाली लाइन में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसी सेटिंग्स इस ग्राफिक कार्ड के लिए बता दूँ जहाँ पे आप लोगों के FPS भी स्टेबल हो जाए। तो आप लोगों ने सिंपली एडवांस ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ से ये जो चीज़ है इसको एक दो स्टेप छोटा कर देना बस, और यहाँ से इसे ओके कर देना। अभी आपके FPS और भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे जो FPS हैं वो 40 वाली लाइन में आ चुके हैं, यानी कि 45, 50 यहाँ पे हमें FPS मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे गेम प्ले देख सकते हो बड़ा स्मूथ हो गया और ग्राफिक्स क्वालिटी भी आप लोगों के सामने है। तो इस तरह का ये वाला जो लैपटॉप है इस पर आप लोगों को गेम प्ले मिलता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस लैपटॉप के ऊपर हम लोग स्ट्रीमिंग ट्राई करें तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप लोग एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो और ये वाला लैपटॉप अगर आप लोग सोचते हो स्ट्रीमिंग के लिए तो आप लोगों को कैसे मामला प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो GPU का अभी टेम्परेचर आ रहा है वो 74 डिग्री है और प्रोसेसर का टेम्परेचर भी अभी इसने मेंटेन कर लिया और यहाँ पे सिर्फ 89 डिग्री जो है वो प्रोसेसर का टेम्परेचर है। प्रोसेसर यहाँ पे इसका जो 55-56% यूज़ हो रहा है और GPU आई थिंक यहाँ पे इसका GPU यूसेज का ऑप्शन आ जाए मैं से आफ्टर बनर में आउट डोंट नो क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पे 80-90% के करीब करीब यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे GPU भी। आप लोग यहाँ पे मामला देख सकते हो कुछ इस तरह के हैं। रैम यहाँ पे हमारी 10 GB यूज़ हो रही है और गेम प्ले आप लोगों के सामने है। तो आप लोग यहाँ पे नज़ारे देखिए, थोड़ा सा गेम प्ले देखिए, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे और कंक्लूजन पे आएंगे कि आप लोगों को क्या ये वाला लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो लैपटॉप है ये प्रीमियर प्रो में तो 4K या 1080p 60fps 4K 60fps इन फुटेजेस को आराम से हैंडल कर लेता है। यहाँ पे वास्ट स्टेबलाइजेशन हम लोग इसके ऊपर लगा लें, इफेक्ट्स लगा लें, जो प्री बिल्ड यहाँ पे इफेक्ट्स हमें मिल जाते हैं प्रीसेट्स वगैरह उनको लगा लें तो उसमें भी इसमें ना लाल पट्टी वाला मसला आता है ना बार बार प्रोसेसिंग करने वाला इशू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मतलब प्रॉपर इसमें अगर आप लोग ऐसे एक एडिटिंग मशीन को, और अगर आप लोग सोचते हो कि यार मेरे पास 1.5 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये पड़े हैं तो मैं एक मैकबुक जाके बाय कर लेता हूँ 2017-18 वाली इतने में मिल जाती है 19 वाली, तो उसकी बजाय अगर आप लोग ये सोचते हो कि यार मुझे हल्की फुल्की गेमिंग भी करनी है एडिटिंग भी करनी है और आप लोग कंपेटेबल हो ज़्यादा विंडोज़ लैपटॉप के साथ, तो मेरा मशवरा यही आप लोग इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को एडिटिंग का प्रोसेस तो आप लोगों ने देख लिया, जो एडिटिंग प्रोसेसिंग वो अच्छी मिल जाती है
और गेमिंग भी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमें GTA 5 मेरे पास सिर्फ इसमें फिलहाल अवेलेबल थी, तो आप लोगों ने देखा कि GTA 5 में हमें किस तरह के ग्राफिक्स मिले। हाँ, टेम्परेचर जब गेम के दौरान थोड़ा सा ऊपर जाता है, एडिटिंग के दरमियान नहीं जाता, लेकिन उसे भी हम लोग यहाँ पे लैपटॉप के लिहाज से, लैपटॉप की सेहत के लिहाज से नॉर्मल में ही रखते हैं कि इतना टेम्परेचर लैपटॉप की सेहत के लिहाज से नॉर्मल में ही आता है। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।